हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे चैनल पर। मैं हूँ आपका ट्यूटर विजेश। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 5D चल रहा है। जैसा कि आपको पता है, सेलिना का सॉल्यूशन आपके सामने रखा जा रहा है। तो एक्सरसाइज 5D का क्वेश्चन नंबर 10, जो कि ऑलरेडी बोर्ड में भी आया हुआ है, इट इज 2014 का क्वेश्चन। चलिए करते हैं इस पर्टिकुलर सम को। और ये जो है आपका क्वेश्चन, एक्स माइनस वन द होल स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। पहले ब्रैकेट ओपन करेंगे आप, तो दिस इज ए माइनस बी द होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ABC हो जाएगा। एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x माइनस 3x प्लस 4 इज इक्वल टू 0। सो देयरफॉर सॉल्व करेंगे, हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x हो जाएगा माइनस 5x, और 1 प्लस 4 हो जाएगा आपका पॉजिटिव 5, विच इज इक्वल टू 0। नाउ comparing with standard form ax square plus bx plus c is equal to 0। so therefore आपका a हो जाएगा 1, b हो जाएगा minus 5, c हो जाएगा 5। ठीक है, समझ में आ रहा है आपको? so therefore आपका b square minus 4ac क्या आ गया? This is minus 5 square minus 4 into a into c। ठीक है, ये हो जाएगा 25 minus 20 which is equal to 5। so therefore roots are given by so क्या है formula? x equal to minus b plus minus root of b square minus 4ac upon 2a। सो आपको माइनस बी डालना, माइनस बी मतलब माइनस ऑफ माइनस 5, मतलब इट इज पॉजिटिव 5, प्लस माइनस रूट 5, बी स्क्वायर माइनस 4 इज 5 है, तो इसका रूट रूट 5 अपॉन 2 इनटू ए व्हिच इज इक्वल टू 2 ओनली। अभी आपको मैं दिखाता हूँ रूट 5 का वैल्यू क्या है। सो रूट 5 का वैल्यू है, रूट 5 का वैल्यू है 2.236। सो 2.236 ये आपका रूट 5 का वैल्यू है। सो देयरफॉर एक्स क्या हो जाएगा? या तो 5 प्लस 2.236 अपॉन 2, या तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 5 माइनस 2.236 अपॉन 2। सो दिस इज इक्वल टू 7.236 अपॉन 2, और एक्स इक्वल टू 5 पॉइंट, अभी 5 माइनस 2.236, 5 माइनस 2.236 2.236, तो ये हो जाएगा आपका 2.764 अपॉन 2। सो बेसिकली अगर आप इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो यह 1.382। सो दिस इज इक्वल टू 1.382 एक्स इक्वल टू, या तो फिर 7.236 डिवाइडेड बाय 2, 3.618 x इक्वल टू 3.618 और 1.382। उसने क्या बोला है? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स, सिर्फ दो ही फिगर होने चाहिए। सो यहाँ पे क्या होगा? 3 और 6। सो बेसिकली देयरफॉर एक्स हो जाएगा आपका 3.6 और एक्स इज इक्वल टू 1.3। यहाँ तक ही लेना अपने को, लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, उसके पहले 8 विच इज ग्रेटर देन 5, इसलिए इसके पहले वाले नंबर जो कि 3 है उसको प्लस 1 हो जाएगा, तो दिस इज 1.4। ठीक है, सो 1.4 एंड 3.6 इज योर फाइनल आंसर। आई होप आपको ये मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा। कोई भी डाउट होगा तो कम्युनिकेट करना, मैं ट्राई करूंगा आपके डाउट सॉल्व करने का। मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां पे हम करेंगे 11 सम एक्सरसाइज 5D से। ठीक है, बट मीनवाइल आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। आपका ट्यूटर करके चैनल है और सब्सक्रिप्शन बहुत जरूरी है, और आप ये वीडियो शेयर करें, बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका ये वीडियो शेयर करना, क्योंकि ये वीडियो शेयर करने पे ही लोगों तक पहुंचेगा और ये मेहनत सफल होती हुई दिखाई देगी। ठीक है, चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर एंड कीप प्रैक्टिसिंग। बाय बाय, एंड कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना कैसे लगा आपको ये वीडियो। बाय बाय।